हमारे YouTube चैनल पर बड़ी खबर होमगार्ड जवानों के लिए कि दोस्तों कब तक होगा होमगार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी और दोस्तों होमगार्ड जवानों को मिलेंगे कितने रुपए। दोस्तों सभी जानकारी हम आपको देंगे, तो आप जल्दी से चैनल को लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों एक होमगार्ड जवान को कितनी सैलरी मिलेगी, हम सारी जानकारी आपको एक एक करके देंगे। दोस्तों आपको बताते हैं यूपी होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2021। दोस्तों भर्ती के बारे में पूरी जानकारी, क्या आपको पता है कि एक होमगार्ड जवान को कितना वेतन मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग में भर्ती के लिए जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। गौरतलब है कि राज्य में पिछले कई दिनों से ये चर्चा जोरों पर है कि होमगार्ड विभाग में 30,000 से अधिक पदों पर भर्तियां निकल रही हैं, लेकिन दोस्तों सब होमगार्ड जवान ये सोच रहे हैं कि इनका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि होमगार्ड विभाग में बहाली के लिए अक्टूबर के महीने तक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होमगार्ड विभाग के खाली पड़े पदों पर बहाली की तैयारी शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री के सामने इस भर्ती के प्रस्ताव का प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने के लिए इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। हालांकि इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख के संबंध में पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। दोस्तों राज्य में होमगार्ड विभाग के कुल 118,348 पद हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 86,000 होमगार्ड जवान ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए इस विभाग में इस वक्त लगभग 30,000 पद खाली हैं। इन पदों के खाली रहने से राज्य में कानून व्यवस्था में समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए राज्य सरकार ने इन पदों पर जल्दी बहाली करना चाहती है। अभ्यर्थियों को इस भर्ती से संबंधित अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर बने रहना है। और दोस्तों होमगार्ड की एक पक्की तैयारी के लिए आप सफलता द्वारा चला रहे फ्री यूपी होमगार्ड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक होमगार्ड जवान को कितनी सैलरी मिलती है। उत्तर प्रदेश में एक होमगार्ड जवान को इस वक्त 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सैलरी मिलती है। होमगार्ड जवान को पहले 375 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सैलरी मिलती थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। होमगार्ड जवान की नौकरी स्थायी नहीं होती, इस वजह से इनकी सैलरी में ड्यूटी के दिनों के आधार पर बनती है। राज्य में होमगार्ड जवानों को उतने ही दिन की सैलरी मिलती है जितने दिन वो काम करते हैं। तो दोस्तों होमगार्ड भर्ती से संबंधित सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।